और अर्धरात की शरण ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हुआ है महाराज? आप आश्रम के बैठे कई पूजा मारी पूछी बात रघुवंशी पीरों को यह माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पखेरू तो पिजड़े से उड़ जाएगा। हाँ महाराज, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश आ जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। हे महाराज, घर का विनाश हो जाता है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास हाकिम वैद रसोईया घर का भेदी दास, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे मौत मौत के घाट ही वे वक्त उतारे जाते हैं। ये महाराज, सीता का हरना और जो आपके मन में विचार आया है उसका परित्याग कर दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो पारंबा जगदम्बा का अवतार है। तो मुझको ज्ञान सिखाता है,
कहां नहीं मिला तब सारा क्या भुला दूंगा, सीधा हर में जब पहले जब पूरी दिल है पहुंचा दूंगा। थोड़ा सा मुझे सोचने का समय दीजिए। ठीक है, सोच लो। क्या बताऊं, पर बसता है पर बस सब भारत मौत ही आई है। ईशोर गिरु तो कुआ है, ईशोर गिरु तो यदि रावण के हाथों मेरी मृत्यु होती है फिर ना जाने कितने कल्पों तक किसी राक्षस योनि में मुझे भटकना पड़ेगा। यदि प्रभु राम के हाथों मेरी मृत्यु हो जाती है तो इस जीवन मृत के बंधन से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाए। हे लंकेश, हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। आप जाइए, आप अपना कार्य कीजिए, यह हमारी अपना कार्य करेगा। तो चलो, विलंब करने की देर की देर की देर मेरी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो। महाराज, आपके पहुंचने से पहले मैं अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा मैं उस पंचवटी में राम के आश्रम पर पहुंच जाता हूं। चल मेरी माया। कभी आपने जीवन में सोने का अमृत भी देखा है? हे कल्याणी, असंभवम हे मृगस्य जन्म, हे मृग होना संसार में असंभव है, तथापि सीते लोलुभ मृगाय, इस पर भी आप सीता इस मृग को देख करके लोलुभ हो रही हैं। हे कल्याणी, संसार में कभी सोने का अमृत नहीं होता है, नाना प्रकार के राक्षसी इस वन में भटका करते हैं जो बड़े मायावी हैं, कदाचित ऐसा न हो। नहीं स्वामी, जाओ उसकी खाल लेकर आओ, मैं कुटिया की श्रृंगार करूंगी। तब चलिए, अच्छी बात। हे लक्ष्मण, तब जब तक मैं इस मृत का आखेट करके न आ जाऊं तब तक तुम इस पंचवटी में इस कुटिया की रक्षा करना।
ध्यान देना है, बुद्धि विवेक बल और समय का ध्यान देते हुए तो हमारी मांगा अपने प्रेमा भी सीता की रक्षा करना। अब हम आखेट के लिए उत्तर हुए हैं, इसलिए तो यही रह करके पंचवटी की रक्षा करो। लक्ष्मण कुछ आपने सुना, आपके भैया संकट में है, देवर देवर जाकर देखो रघुराय तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात हेरते हैं, भगवान ने जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें साथ ले रहे स्वामी हमारे दुख में है। चाहो लक्ष्मण। हे मैया आप ये क्या कह रही हैं? हमारे भैया राम वो भी दुख में हो सकते हैं? हे माता जो सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे हमारे भैया को भला क्या दुख भी आ सकता है? हे माता नाग असुर यक्ष किन्नर गंधर्व यहाँ तक कि तक इसको देवताओं में इतना साहस नहीं है कि मेरे भैया राम को किसी भी प्रकार के कष्ट में डाल सके। फिर माता आप चिंता क्यों कर रही हैं? किसका साहस है माता जो दुख उन्हें पहुंचाएगा? सूर्यदेव जिस जगह पर प्रकाशित है क्या वहां पर कभी अंधेरा आएगा? फिर माता मान लिया कि अंधकार आ भी गया तो क्या वह अंधकार कर पाएगा? वह तो स्वयं ही आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर माता मेरा तो इस समय यही धर्म है कि रहो आपकी रक्षा में, सर्वस्व विचार है मेरा अपने बड़े भैया के आज्ञा पर। यह वन विशाल वह व्याघ्रवाल और चारों ओर घनेरा है, माता आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं कर्तव्य नहीं है मेरा है। आप तो जानती हैं मेरे हृदय में मेरे भैया राम के प्रति अथाह प्रेम है और सम्मान भी है। आज तक अपने बड़े भैया के आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं किया हूं और मेरे भैया का आज्ञा यही है कि हे लक्ष्मण किसी भी अवस्था में आपको अकेले आश्रम में छोड़कर मैं कहीं ना जाऊं। इसलिए माता आप मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जा सकता। अब मैंने जान ली समझ ली मतलब का भाई चारा है। घर से जो तुम बन को आए हो इसमें कुछ साथ भी तुम्हारा है। सच है सरपंच पक्षियों में रहकर सुख पाता कोई नहीं,
भाई से जग में सत नहीं, भाई से जग में मित नहीं। हे माता, आप मुझे क्षमा करें कि तू इस प्रकार से अपने तीव्र वाणी से मेरे हृदय पर आघात न करे। मैया, आप तो जानती हैं मेरे भैया मेरे पिता के समान है और मैंने सदा सर्वदा आपको अपनी माता के समान ही जाना है। हे माता, मेरे भैया की आज्ञा है, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन भला कैसे कर सकता हूँ? जो उन्होंने आज्ञा दिए हैं, क्या मैं उनकी आज्ञा का अवज्ञा करके यहाँ से चला जाऊं? नहीं माता, मैं गायब भी नहीं हूं, मुझे युद्ध करना भी आता है, किंतु युद्ध से ज्यादा मैं अपने बड़े भैया की आज्ञा को सम्मान देता हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मुझे विवश ना करें। मैया, यदि तुम नहीं जाते हो तो लाओ दो धनुष और बाण, मैं जाती हूँ अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए। हे माता, यदि आपने ठान ही ली है कि मुझे यहाँ से भेजकर ही रहेंगी तो ठीक है। यह लक्ष्मण पहली बार अपने बड़े भैया की आज्ञा का उल्लंघन करता है, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गरम गवाह तुम्हें, मेरे इस धर्म के नाव पर, हे सूर्य देवता मल्ला तुम्हें, आपका आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, यदि मेरे बड़े भैया राम मुझको किसी भी प्रकार का उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे भैया, आप कुटिया के भीतर चले जाइए, मैं कुटिया के चारों तरफ एक दिव्य रेखा खींच कर जाऊंगा जिसका उल्लंघन कोई भी असुर नहीं कर सकता है। अच्छा माता, जाता हूं और सावधान होकर रहना, आपकी आज्ञा के भीतर आपका यह दास रहा, अब आप भी इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा है आज उससे यह लक्ष्मण का वह तत्काल भस्म हो जाएगा। हे माता, किसी भी अवस्था में आप इस रेखा का उल्लंघन मत कीजिएगा, अन्यथा इसका मर्यादा नष्ट हो जाएगा और आप पर संकट आ सकता है। जो आज्ञा मैया। Oh, shit.